लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और जल्द शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे दो फेज में कंप्लीट होगा वर्क। पीएनसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चयन किया जा चुका है। अभी पीएनसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़ कानपुर हाईवे का निर्माण कर रही है, उसके बाद में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 62.75 किलोमीटर का होगा, इसमें से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 42.75 किलोमीटर होगा और लगभग 11 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे एलिवेटेड होगा। एनएचआई पहली बार 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस मॉड्यूल के हिसाब से इस हाईवे का निर्माण किया जाएगा। AMG पहली बार तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में। इस तकनीक के इस्तेमाल से हाईवे को बनाने की जो गति है वो दोगुनी हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे में जो यह तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे अधिकारी और जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है उनको फ़ोन या कंप्यूटर पर ही जो अपडेट आएंगी वो दिखाई देंगी। जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 62.75 किलोमीटर का बन रहा है उसमें दो बड़े ब्रिज और एक ROB रेलवे ओवर ब्रिज और 28 छोटे पुल और 38 अंडरपास और 3 बड़े ब्रिज और 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। 450 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए पूरी जमीन अधिग्रहण हो चुकी है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे अमौसी हवाई अड्डे से शुरू होकर के उन्नाव के रास्ते कानपुर में प्रस्तावित आउटर रिंग रोड से जुड़ेगा। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे का करीब 13 किलोमीटर जो हिस्सा है वो ऊंचा रहेगा, मतलब कि एलिवेटेड होगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 31 मार्च से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। ऐसे में इसे नेशनल हाईवे का दर्जा देने की प्रक्रिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू कर दी है। इसी महीने के अंत तक इसे यह दर्जा शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। 42,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 6 लेन होगा और दिसंबर 2023 तक बनकर के तैयार हो जाएगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद में लखनऊ से कानपुर की दूरी आप 45 से 50 मिनट में तय कर सकते हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे AMG तकनीक से बनने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। इस तकनीक का इस्तेमाल करने से एक्सप्रेसवे की बनने की गति दोगुनी हो जाएगी। हाइब्रिड मॉडल से बनाया जा रहा है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 40% पैसा खर्च करेगी और बाकी का पैसा 60% वो कंपनी स्वयं लगाएगी और 15 वर्षों के लिए ब्याज पर कंपनी को देगी NHI बचा हुआ पैसा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का टोल NHI वसूलेगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य एक ही कंपनी को इसलिए दिया जा रहा है कि निवेश और रखरखाव दोनों आसान हो सके। टोल कलेक्शन और NHI अपने पास ही रखेगा। इसकी आय में कंपनी के 7% का भुगतान किया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उन्नाव के 63 गांवों से होकर के गुजरेगा। इस परियोजना में शहीद पथ से लेकर बनी तक सेंट्रल डिवाइडर पर सिंगल पिलर पर बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, जो कि एलिवेटेड रहेगा। और इसी तरह के वीडियो अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे की अपडेट होगी आपकी, जिस तरह का वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।